तो भाई गाड़ी चलाना किसको पसंद नहीं भाई, सबको पसंद है, लेकिन बिना नंबर प्लेट के गाड़ी तो नहीं चला सकते। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि अपने यहाँ पे कितने तरह के नंबर प्लेट्स होती है। पहले तरह का नंबर प्लेट, उसमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और ये गाड़ियां सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होती है। तो बात करें दूसरे तरह के नंबर प्लेट्स की, तो इनमें येलो बैकग्राउंड होता है और उस पर ब्लैक अक्षरों से लिखा हुआ होता है, तो ये सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए होती है, इन्हें प्राइवेट यूज के लिए नहीं ली जा सकता। और आपने ये ओला उबर में चलते हुए देखी होगी। तो बात करें तीसरे तरह के नंबर प्लेट की, तो उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड ब्लैक होता है और येलो कलर से लिखा हुआ होता है। तो ये सारी गाड़ियां रेंटेड गाड़ियां होती है, जैसे सपोज अपन गोवा घूमने गए, वहाँ पे अपने को गाड़ी रेंट पे ली, तो इस तरह की गाड़ियां होती है। तो अब बात करें चौथे तरह की नंबर प्लेट की, तो वो होती है ब्लू कलर की। तो जो भी है ना एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसीज की गाड़ी होती है ना, वो ब्लू कलर की नंबर प्लेट के साथ आती है। और हिंदी में कहे तो अगर जो दूतावास की गाड़ियां होती है ना, वो यही होती है। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको ऐसी गाड़ियां खूब देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 कल आएगा, उसको भी जरूर देखना। और अगर आप एक फॉर्च्यूनर लवर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें भी तो पता चले कितने जने फॉर्च्यूनर लवर है। तो भाई मैं भी एक फॉर्च्यूनर लवर हूं, इसलिए मैंने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अब आप भी कर दो।